सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण बिल पर सीधे राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वे भाजपा के नेताओं के दबाव में बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं, राज्यपाल को बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वापस करें, अनिश्चितकालीन तक अपने पास रखने का बहाना नहीं ढूंढे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बेमेतरा रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण बिल के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। रमन सिंह को समझना चाहिए कि ये बिल मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि विधानसभा से पास हुआ बिल है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहाँ, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है, ये विधिक सलाहकार एक आप परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। नहीं करना है तो वापस करें बिल, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करें सरकार को, दूसरा राष्ट्रपति की भेजे, तीसरा अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही। सीएम भूपेश बघेल ने स्काई वॉक के मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पिछला विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2018 को संपन्न हो चुका था, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई जो 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत को 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाता है। ईडी को लेकर उन्होंने कहा कि कार्रवाई करनी है तो करे, लेकिन प्रताड़ित क्यों करना है? जबरदस्ती टारगेट करके दहशत में लाना उचित नहीं है। स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए, तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, ये गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई करो, मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोल रहे कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में, कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। आरक्षण पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही भाजपा को भी बख्श नहीं रहे हैं। इधर आरक्षण बिल पर फिलहाल हस्ताक्षर के आसार नहीं है, इसलिए संभावना यही है कि ये अभी बड़ा मुद्दा बना रहेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।